नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं, जो कि देखने में जितना सुंदर होगा उतना ही बनाने में आसान होगा। पाइपिंग के साथ हम डिजाइन तैयार करेंगे। जो हमने पाइपिंग का फैब्रिक लेना है वो कढ़ाई से मैच करते हुए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है। ये क्रीम कलर का हमारे पास फैब्रिक है, जो हम पाइपिंग के साथ सुंदर सा डिजाइन बनाते हुए यूज करेंगे। एक मैंने यहाँ पे बटन लिए हुए हैं, 3 बटन होंगे पाइपिंग के ऊपर। यहाँ पे गले के नीचे हम सेंटर में लगाएंगे, और एक मैंने ये बुकरम ली हुई है जिसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने गले की ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाते हैं। जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें यहाँ पे 7.5 इंच। यहाँ पे जो शेप डालेंगे दोस्तों, इस प्रकार की हमारी यहाँ पे शेप आएगी इस तरीके से। यहां से हमें जितना गला तैयार रखना होता है उस पॉइंट से नीचे की साइड तकरीबन हमें लेना है 6 इंच, और यहाँ पे हल्का सा बीच का सेंटर का कट होगा, क्योंकि दोनों साइड जो पाइपिंग आती है तो उसमें हमें हल्का सा गैप रखना होता है। अब हम बार की साइड 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से एक निशान और लगा लेते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बार वाले निशान पे कट कर लेते हैं। अब हमें जो अंदर वाले निशान हैं उनके ऊपर कटिंग करनी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने गले की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब हम इस गले को जो हमारे पास ये कपड़ा है कमीज के साथ का, उसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे गला पेस्ट कर लिया है, और बाहर की साइड का थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। दोस्तों, पेस्टिंग होने के बाद अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइप पिन बनाएंगे यहाँ पे लगाने के लिए। तो जो हमारे पास क्रीम कपड़ा है इसमें से हम पाइप पिन तैयार कर लेते हैं। पाइप पिन जो बनाएंगे हम ओरेव वाली पट्टी की बनाएंगे, इस प्रकार से तिरछा कपड़े को काटते हुए एक पट्टी यहाँ पे ऐसे लेंगे, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली। दूसरी पट्टी फिर से सेम चौड़ाई वाली लेंगे, इस पट्टी की हम लंबाई बढ़ा लेंगे ज्वाइंट लगाते हुए इस प्रकार से। जो ज्वाइंट होता है उसको बीच से इस प्रकार से चीर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने के लिए हम डोरी लेंगे। इस डोरी को हम इस प्रकार से रखेंगे और तकरीबन 1/2 से 1/4 इंच यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हम इसको सिंगल फुट की मदद से यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से पाइपिंग तैयार होती जाती है। इस प्रकार हम पूरी पट्टी में पाइपिंग निकाल लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे एक साइड का कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये धागा दबा दिया है, तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग इस तरीके से तैयार हो जाती है। अब दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा होता है इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे।
हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम पाइपिंग के साथ जो सिलाई के साथ साथ कट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे। पाइपिंग हमारी इस प्रकार से आ जाएगी। ये हमने दूसरी साइड से भी पक्की लब कर ली है तो इसमें से धागे नहीं निकलेंगे, सीधी साइड हमारी ये रहेगी जो नजर आएगी। इसी प्रकार हम पूरी पट्टी का कपड़ा कट कर लेते हैं। पाइपिंग हमने तैयार कर ली है दोस्तों, अब हम गला तैयार करेंगे। गले की बाहर की साइड जो कपड़ा होता है उसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं बुकरम के ऊपर। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको सिलाई के साथ साथ इस प्रकार से कट कर लेते हैं। दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड का कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हम कमीज का फ्रंट लेंगे और इस प्रकार से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे गले को, इस तरीके से सेंटर बनाने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। दोस्तों हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कटिंग करेंगे इस तरीके से, और जहां पे नोक आएगी वहां पे हल्के हल्के दोनों साइड कट लगाएंगे। बुकरम वाले गले को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं तो सीधी साइड जो आएगी हमारी इस प्रकार से आएगी। इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है गले को। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग हमें जो सीधी साइड होती है वो हम नीचे की साइड रखेंगे और उल्टी साइड इस तरीके से रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगी पाइपिंग। इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे की साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने एक साइड में यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर दी है। सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी आप पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं।
इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर ली है और नीचे की साइड हमारी इस प्रकार से नजर आएगी दोनों साइड में इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ये बीच वाला गैप बंद करना है, जो जैसे ये ओपन रहता है इस प्रकार से, इसको बंद करने के लिए हम एक पट्टी लेंगे, इस प्रकार की पट्टी लेंगे, इसको हमने तैयार कर लिया है, ये डबल पट्टी है, इसको हम नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जितना हमें गला डीप रखना है उसको चेक करते हुए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे बीच का जो गैप था वो भी बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेते हैं इस प्रकार से, हल्का हल्का मार्जिन करते हैं। पूरे गले में इसी प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों डबल सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड हमने यहाँ पे तीन बटन कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सुंदर सा हमारा यहाँ पे ये नेक डिजाइन तैयार हुआ है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।